गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। तो ये पूरी सरकार की इकबाल पर प्रश्न नहीं लगाता है, कभी कभी तो कोई सिक्योरिटी लैप्स होगी ना, प्रशासन पर पूरी तरह से कैसे उस पर प्रश्न लगाता है। उन पुलिस कर्मियों का दोष है जो 15-17 लोगों के साथ में थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस का दोष नहीं, पूरी पुलिस उसके लिए दोषी है। यही पुलिस है जो साबरमती से लेकर के इन्हें प्रॉपर आती थी, ये भी खबर चली कि ये लोग जो एनकाउंटर में मारे गए इसके बच्चे, ये तो हमला करना चाहते थे, कुछ पाने के लिए प्रयासरत थे, किसी ने उनके रूट को फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा नहीं भूपेन जी की पुलिस पूरी तरह से निकम्मी हो गई है और सब गड़बड़ी कर रही है। हम जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आरोपियों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, एक आरोपी ने सुनने में आया कि कहा है कि ये पाकिस्तानी लिंक निकले हैं और ज़मीन हड़पते थे इसलिए मार दिया। बाकी भी आरोपी हैं, अलग अलग विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। क्या मामला है, क्या उसमें और कुछ प्रकाश निकल कर आया, प्रकाश डालिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इनसे कल रात से ही पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। हालांकि पूछताछ के दौरान इन्होंने कबूल किया है कि लगातार ये लोग जिस वक्त साबरमती जेल से अतीक अहमद को और इसके अलावा बरेली जेल से अशरफ को लेकर आया जाता था, उस दौरान ये बाकायदा उन्हें पहले टीवी पर देखा करते थे और उसके बाद जब सेकेंड टाइम लेकर आए थे उस दौरान बाकायदा साबरमती से लेकर और यहाँ तक इन्होंने फॉलो भी किया था प्रयागराज तक। और इतना ये भी बताया कि उस वक्त सबसे बड़ी समस्या इनके सामने थी कि आखिरकार अतीक अहमद और अशरफ के क्लोज से जाए, तो उसके लिए बकायदा इन्होंने कैमरा खरीदा, गन आईडी खरीदा और साथ ही प्रेस के आईडी कार्ड इन्होंने छपवाए थे। यानी कि पूरी प्लानिंग इन्होंने पहले से की थी और उसके बाद से लगातार जहां जहां पुलिस अशरफ को और अतीक अहमद को लेकर जाती थी तफ्तीश के दौरान या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान या फिर मेडिकल के लिए, हर जगह ये वहां पर मीडिया टीम बनकर मौजूद रहा करते थे। और कल जैसे इनको मौका मिला इन्होंने तुरंत उस शूट आउट को अंजाम दे डाला। तो जो रेकी थी वो पहले से की जा चुकी थी, बस प्लान एग्जीक्यूट करने का इंतजार ये लोग कर रहे थे। जी अतीक अहमद ने अपने मौत की भविष्यवाणी 19 साल पहले की थी, लगभग इसी तरह की बात की थी और आशंका उसकी सही साबित हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में पूरा गिरोह संगठित रूप से चलता था, घर के लोग भी शामिल थे। शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी गायब है, कयास लग रहे हैं, और विनय मिश्रा जो वकील है उनके हवाले से ये खबर है कि वो सरेंडर कर सकती हैं। पंकज जी, सरेंडर करना ही लास्ट ऑप्शन है उनके पास अब? ऑब्वियसली देखिए, कानून व्यवस्था के तहत उनको लग रहा है कि भाई उनके साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। अपराधियों के मन में ये डर है कि भाई पुलिस एक्शन ले सकती है, ये एकदम सही है, डर होना भी चाहिए। और ये डर अगर यही पुलिस है, मैंने कहा ना कि ये पुलिस का डीएनए नहीं चेंज हुआ है, ये वही यूपी पुलिस है, कोई अलग से पुलिस नहीं आई है, बस खाली चूंकि सिस्टम चेंज हुआ है तो पुलिस अपने एक्शन दिखा रही है। लेकिन ये वही पुलिस है जो अतीक के आगे पीछे जूस की बोतल लेके, जूस के टेटर पैक लेके घूमते थे जब वो तारीखों पे आया करता था। ये वही पुलिस है जो मंच पर अतीक खड़ा है और बीएसपी राजूपाल हत्याकांड में, और नीचे पुलिस के सारे अफसर खड़े हुए हैं, एसपी एसएसपी खड़े हुए हैं, और पुलिस जो है बिना उन्हें गिरफ्तार किए, बिना उसे गिरफ्तार किए चली जाती है। ये वही पुलिस है जो अतीक के तमाम मामलों में, दुर्दांत हत्याकांडों में और दुर्दांत जो है वारदातों में भी